एमएस वर्ड में बुकमार्क ऑप्शन सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल वर्ल्ड में बुकमार्क कहते किसे हैं। मान लीजिए आप रियल वर्ल्ड में कोई बुक पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, उसमें ढेर सारे पन्ने होते हैं। आप शुरुआत करते हैं बुक को पढ़ने की, लेकिन एक दिन में उसे ख़त्म नहीं कर पाते हैं, आपको उसे बीच में छोड़ना पड़ता है। अब आपने आज जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब नेक्स्ट डे से आप पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसे बंद करने से पहले आप या तो पन्ने के बीच में पेन डाल देंगे, किताब के बीच में आप पेन डाल देते हैं जहाँ तक आपने पढ़ ली है बुक को, या क्या करते हैं पन्ना मोड़ देते हैं, या कोई दूसरा कागज़ का टुकड़ा उन दोनों पन्नों के बीच में लगा देते हैं जहाँ तक आपने पढ़ लिया है, ताकि नेक्स्ट डे जब आप दोबारा शुरुआत करना चाहो किताब को पढ़ने की तो आपको पन्ना ढूंढना ना पड़े कि आपने कहाँ तक पढ़ लिया था। आपने बीच में पेन डाल रखा है तो आप तुरंत वहीं से बुक ओपन कर लेते हो जहाँ से आपने पढ़ना छोड़ा था। क्यों? क्योंकि आपने बीच में पेन या कोई कागज़ का टुकड़ा लगा दिया है एज अ बुक मार्क। इसी को बुक मार्क लगाना कहते हैं, किसी चीज़ को ऐसे बीच में लगा दिया जिससे हमें पता चल जाए कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं किताब में, उसको हम बुक मार्क कहते हैं। तो रियल वर्ल्ड में तो हमने ऐसे बुक मार्क लगा लिया, पन्ना मोड़ दिया, दूसरा कागज़ का टुकड़ा लगा दिया, या बीच में पेन हमने ऐसे दबा दिया, तो ये तो हम रियल वर्ल्ड में कर लेते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में भी तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें ढेर सारे पन्ने हो सकते हैं, उसमें भी बुक्स और नॉवल होती हैं जिनमें बहुत से पेजेस होते हैं, उन्हें भी हम एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते, तो वहाँ हम बुक मार्क कैसे लगा सकते हैं? वहाँ तो हम पेन नहीं लगा सकते बीच में, वहाँ कैसे लगाएंगे? तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट टैब में बुक मार्क नाम से, आप यहां से बुकमार्क लगा सकते हैं। ऑप्शन को समझने के लिए हमने यहां पर ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट ले लिया जिसमें ढेर सारे पन्ने हैं। मान लीजिए आज आपने इस बुक को यहां तक पढ़ लिया है, अब मैं यहां छोड़ना चाहता हूं, अब मैं कल स्टार्ट करूंगा इसे यहां से पढ़ने की, ठीक है? ये पैराग्राफ मुझे पढ़ना शुरू करना है कल से, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, यहां अपना कर्सर रखूंगा, इंसर्ट टैब पे जाऊंगा और क्लिक करूंगा बुकमार्क ऑप्शन पे। बुकमार्क पर आप क्लिक करेंगे, विंडो ओपन होगी और ये बुकमार्क नेम आपसे पूछेगा, यानी कि इस बुकमार्क को आप कुछ नाम दे दीजिए। मैं यहाँ पर समझाने के लिए अपनी सहूलियत के कुछ भी नाम दे देता हूँ, मैं लक्की वन करके इसे नाम दे दूंगा और क्लिक करा दूंगा ऐड। ऐड करा दिया और ये बुकमार्क अब यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है? अब मैं इस बुक को बंद कर देता हूँ, अगले दिन दोबारा आऊँगा ओपन करूँगा तो हम सबको पता है क्या होगा, ये फर्स्ट पेज से ओपन होगी। अब मुझे अपने पेज तक जाना है जहाँ तक मैंने पढ़ लिया था, अब मुझे उसे ढूंढना ना पड़े, तो मुझे याद है मैंने उस पर बुक मार्क लगाया था, लेकिन अब उस बुक मार्क तक मैं जाऊँ कैसे? उसके लिए आप दोबारा जाएंगे इंसर्ट टैब पे, बुक मार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको नजर आएंगे आपके बुकमार्क। आपने जितने भी बुकमार्क लगा रखे होंगे सब यहाँ नजर आएंगे, आप एक से ज्यादा लगा सकते हैं, ठीक है? तो हमने जो बुकमार्क ऐड कराया था वो यहाँ नजर आ रहा है, लकी वन नाम से हमने यहाँ पर बुकमार्क ऐड कराया था। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा गो टू, क्लिक करेंगे गो टू एंड क्लोज और आपका कर्सर उसी पेज पर, उसी पैराग्राफ पर पहुंच जाएगा जहां आपने पढ़ना छोड़ा था, जहां आपने बुकमार्क लगाया था। तो ये होता है हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट में, पीसी में, लैपटॉप में, पढ़ने वाली किताबों में लगाने वाला बुकमार्क। लेकिन इसके साथ ही देखिए और भी कई ऑप्शन है, अगर आपको इसे डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया आप एक से ज़्यादा बुकमार्क भी लगा सकते हैं। आप ऐसा ही एक और बुकमार्क किसी और पेज पर भी लगा सकते हैं जहाँ भी आप चाहें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लगाना चाहते हैं, क्लिक कीजिए, अपना कर्सर यहाँ रखिए, बुकमार्क पर जाइए और बुकमार्क नेम दे दीजिए, इस बार कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसे समझाने के लिए बस लकी टू दे देता हूं और इसे करा देता हूं मैं ऐड और ये ऐड हो जाएगा। अगेन दोबारा आप जब अपनी बुक ओपन करेंगे फर्स्ट पेज पर आएंगे, बुकमार्क पर जाएंगे, तो इस बार आपको आपके लगाए दोनों बुकमार्क यहां नजर आएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन से बुकमार्क पर सीधा पहुंचना चाहते हैं। बुकमार्क टू पर जाना है, यानी कि जो लकी टू नाम से हमने सेव कराया था उस पर क्लिक करेंगे गो टू क्लोज और आपका कर्सर सेकंड बुकमार्क तक पहुंच जाएगा। और अगर आपको डिलीट करना है ये बुकमार्क्स तो आप बुकमार्क्स पर जाएंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है डिलीट, बस सिलेक्ट कीजिए डिलीट, सिलेक्ट एंड डिलीट और बुकमार्क्स डिलीट हो जाएंगे। इनका आप एक और यूज़ भी कर सकते हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं कर सकते कि हमने बुकमार्क लगाना है कि हमने आज यहाँ तक पढ़ लिया, कल मुझे दोबारा यहीं से पढ़ना है तो मैं बुकमार्क लगा दूँ। एक और यूज़ भी इसका कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए
आपके इस डॉक्यूमेंट में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जरूरी पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद रखना चाहते हैं, जिन्हें आप दोबारा पढ़ना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया मोबाइल रिपेयरिंग, इस मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में इस डॉक्यूमेंट में यहाँ बताया गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे दोबारा कभी पढ़ना पड़े इसके बारे में, तो मुझे इस पूरे डॉक्यूमेंट को खंगालना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े कि कहाँ था, कहाँ लिखा हुआ था, है ना। तो मुझे ये झट से मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पर बुकमार्क लगा सकता हूँ। कैसे लगाएंगे वो देखिए, यहाँ अपना कर्सर रखेंगे जहाँ आपका टॉपिक, आपका फेवरेट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग, आप अपना कर्सर यहाँ रख देंगे, जाएंगे बुकमार्क ऑप्शन पर और इस बुकमार्क को भी नाम दे दीजिए आप मोबाइल रिपेयरिंग, इस तरह से आप ऐसे नाम दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता। ये देखिए आपने स्पेस दे दिया यहाँ पर तो ऐड का बटन नहीं आ रहा, ठीक है। तो बिना स्पेस के ऐसे आप अपना बुकमार्क ऐड करा दीजिए। मैंने मोबाइल रिपेयरिंग ही नाम दे दिया है इसको और इसे करा देंगे ऐड। इसी तरह आप कोई दूसरा टॉपिक भी है यहाँ पर, उसे भी ऐड करा सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर रिपेयरिंग। अब यहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे, बुकमार्क ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर नाम दे देंगे कंप्यूटर रिपेयरिंग और इसे करा देंगे ऐड। और अब आपने अपने दोनों फेवरेट टॉपिक यहाँ पर ऐड करा लिए। अब फ्यूचर में आपको दोबारा कभी इन्हें पढ़ने की जरूरत है, आप चाहते हैं कि हाँ मुझे इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, वो सब्जेक्ट मुझे दोबारा पढ़ना है, तो आपको पता है आपने इस डॉक्यूमेंट में बुकमार्क ऐड करा दिया था, तो आप क्या करेंगे बुकमार्क पर जाएंगे और इनमें से जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उस पर सिलेक्ट करेंगे, उसको क्लिक करेंगे एंड देन गो टू, और ये आपको उसी टॉपिक पर सीधा पहुंचा देगा। तो ये भी एक यूज़ है बुकमार्क ऑप्शन का, आप ऐसे बुकमार्क भी लगा सकते हैं अपने फेवरेट टॉपिक्स को। और डिलीट करना आपको पता ही है, आप बस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लिक कर देंगे डिलीट और आपका वो बुकमार्क यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है शॉर्ट, यानी कि नाम के अकॉर्डिंग इन्हें शॉर्ट करें, पहले कौन सा नजर आए बाद में कौन सा, या लोकेशन के हिसाब से हमें शॉर्ट करके दिखाए कि पहले कौन सा या बाद में कौन सा। अब मोबाइल रिपेयरिंग वाला जो हमारा टॉपिक है वो पहले आता है, तो इसने क्या किया लोकेशन के हिसाब से उसको पहले रख दिया, और कंप्यूटर रिपेयरिंग वाला टॉपिक बाद में आता है तो इसने उसको बाद में रख दिया। लेकिन अगर आप नेम के अकॉर्डिंग इन्हें शॉर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर क्योंकि सी से शुरू होता है तो उसको पहले रख देगा और मोबाइल रिपेयरिंग को बाद में, ठीक है। तो ये था आज का हमारा ऑप्शन बुकमार्क। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने बुकमार्क ऑप्शन के बारे में सीखा। अगर आपको आज की हमारी ये क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के इस सफर पर हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।